आज हम कपिलधारा में आए हुए हैं। ये कपिलधारा की मनोरम दृश्य, ये दोस्त हम मुनि महात्मा और हमारे साथ हैं, ये सभी लोग आए हुए हैं, हमारे साथी लोग, और हमारे साथ में संत जी भी हैं। और संत और ये देख पा रहा हूँ दोस्त, यहाँ कितने लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए, क्योंकि ये ऐसा जगह है दोस्त जो बहुत ही सुंदर लगता है, देखने लायक है, यहाँ पे घूमने लायक है। और अगर आपको पूरी इस जगह की अच्छे से देखना है आपको, तो हमारी पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से इसकी जगह इस जगह की आपको जानकारी मिल पाएगी दोस्त, और हम अच्छे से आपको दिखा पाएंगे। अभी इसके नीचे जाएंगे जहाँ से ये धार नीचे गिर रही है, तो हम दूसरे साइड से घूम के जाना पड़ता है वहाँ, उसके नीचे जा कर के भी आपको दिखाएंगे। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्त, देख पा रहा हूँ यार कितनी अच्छा जगह है यहाँ पे। ये हम ऊपर से अभी दिखा रहे हैं आपको, ये लगभग बहुत नीचे है, ये देख पा रहा हूँ जहाँ पर पानी गिरता है यहाँ का, हम वहाँ भी ले जा कर के दिखाएँगे। ये देख पा रहा होंगे बहुत भीड़ लगता है दोस्त, यहाँ पर लगभग हजारों लाखों लोग आते हैं। और हम अब नीचे जाएंगे जहाँ ये पानी गिर रहा है, लगभग 100-150 से ऊपर ही फिट होगा लगभग जहाँ पे गिर रहा है ये पानी। ये जगह देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है दोस्त, अभी तो कम भीड़ है, जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। ये देख पा रहा हूँ कितना अच्छा है, ये जंगल है, बहुत है, जंगल के बीच में है दोस्त, ये बहुत ख़तरनाक मैकल पहाड़ के नाम से ये जाना जाता है इस जंगल को। देख पा रहा हूँ कितना सुंदर लगता है यहाँ, आपको कभी टाइम मिले दोस्त तो ज़रूर आना इस जगह पे। और अब हम ये सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, देख पा रहा हूँ ऐसे सीढ़ी बना है नीचे जाने के लिए, ये पूरा सीढ़ी के माध्यम से हम नीचे जा रहे हैं अभी, पूरा नीचे जहाँ पे वो धार गिर रहा है ऊपर वाली, जहाँ अभी हम आपको दिखाए थे उसी को नीचे ले जा कर के दिखाएंगे। आप देखना कितना सुंदर लगता है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार जो यहाँ आ जाता है दोस्त तो वहाँ जाने का इच्छा नहीं करता, इतना सुंदर जगह है यहाँ का। ये देख पा रहा होंगे ये नीचे में एक यहाँ पे चाय वगैरह मिलता है, और नीचे आकर के यहाँ थोड़ा सा विश्राम करते हैं यहाँ के जो देखने वाले आते हैं। देख पा रहे हैं दोस्त यहाँ लगभग भीड़ हर हमेशा बनी रहती है यार, क्योंकि यहाँ बहुत लोग यहाँ की यहाँ वीडियो वगैरह बनाने के लिए आते हैं, फिल्म वगैरह बनाने के लिए आते हैं। ये देख पा रहा हूँ ऐसे पत्थर है का है, गली है, यहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं है दोस्त। आज हम कपिलधारा में आए हुए हैं, ये कपिलधारा की मनोरम दृश्य, ये दोस्त हम मुनि महात्मा और हमारे साथ हैं, ये सभी लोग आए हुए हैं, हमारे साथी लोग, और हमारे साथ में संत जी भी हैं, और संत श्री त्यागी केशवदास त्यागी महाराज जी भी हमारे साथ आज आए हुए हैं, और ये साहेबलाल भैया और सुनील भैया हैं, जिन सभी लोगों के साथ आज हमें अमरकंटक की ऐसी स्थानों की दर्शन करने का बहुत शुभ अवसर मिला। ऐसे मुनि महात्माओं के साथ ऐसे स्थानों में दर्शन करने के लिए दोस्त है बहुत ही सौभाग्य की ज़रूरत होती है। तो देख पा रहे हैं कितनी खतरनाक दृश्य है यहाँ का, जो कितनी लगभग 100 फीट से ऊंचे के स्थान से जो नर्मदा माँ की बहाव है इतने ऊंचे से नीचे गिर रही है दोस्त, देख पा रहे होंगे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे धुआंधार है, धुआं निकल रहा हो, इस साइड देख पा रहे होंगे पूरा धुआं निकल रहा है, ये देख पा रहे होंगे आप। और ये पूरे जंगलों के बीच में है दोस्त, इतना ख़तरनाक जंगल कि शायद यहाँ अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ शेर भालू और जंगली जानवरों की कमी नहीं थी, शायद ऐसे स्थान ये बताया जा रहा है, क्योंकि देख के ही ऐसा लगता है कि शायद प्राचीन काल में कितना खतरनाक रहा होगा, ऐसा देखने में भी ये लग रहा है। तो देख पा रहे होंगे दोस्त कितना अच्छा लगता है यहाँ। तो दोस्त अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्त, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक बना करके और अच्छी अच्छी जगहों की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्त ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख पा रहा कितनी सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ पे, और ये कितनी ख़तरनाक है, अभी और दिखाएंगे हम जंगलों को। और यहाँ पे लोग बाग नहाने का कितना आनंद ले रहे हैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्त। यहाँ कभी भी आप लोगों को अगर समय मिले तो एक बार ज़रूर पहुँचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ। आप एक बार आ जाएंगे तो लगभग मेरे ख्याल से दोबारा आपको जाने की इच्छा नहीं करेगी यहाँ से, इतनी सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये देख पा रहा हूँ कैसी पहाड़ों के बीच में कितनी पत्थर, ख़तरनाक रास्ते भी यहाँ से हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए थोड़ा सा परिश्रम भी करना पड़ता है दोस्त बहुत ही। ये देख पा रहा हूँ यहाँ पर